हम ये कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो इस किस्म की मावराय अदालत एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है और अगर ये झूठी खबरें हैं तो लोग ये झूठ फैला रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल गेंस की खातिर उन्हें भी शर्मा याद करनी चाहिए कि अला के हजूर उन्होंने पेश होना है इससे आप ये कैसे रिजल्ट निकाल देंगे कि यह गुस्ताखों का स्पोटर बना हुआ है सिर्फ अपने पोलिटिकल गेंस की खातिर अल्लाह को आपने जान नहीं देनी अल्लाह से डर जाए इस किस्म के झूठे जमात उस शख्स के ऊपर जिसने यू के अंदर बेहतरीन तकरीर की लाला का नारा बुलंद किया उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान नहीं उठाई और उसका रिजल्ट यह निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया उस शख्स के ऊपर जिसने से दस साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुशदी आया हुआ है और वो गुस्सा के रसूल है मैं ऐसे फॉरम से खिताब नहीं करूंगा अब उस शख्स को भी अपने इश्के रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा इन जाहिल उन पिठ से लेना पड़ेगा जो चंद इधारों के आलाकार बने हुए शर्म करें आप पे भी कल को बुरा वक्त आ सकता है और ये जुमले उस शख्स के हैं जो सबसे बड़ा क्रिटिक है इमरान खान साहब का उनके बयानियों को सपोर्ट करता है लेकिन जो रेड लाइन इधारों के वाले से क्रॉस करते हैं उसे हमेशा कंटेम करता है ये तो जो लोग यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं उनसे पूछे हैं कि आप लोगों के जो जज्बाती नारे हैं ये क्या गुल खिलाते हैं आप तो सिर्फ उनके रिमिटेंस के ऊपर मुल्क चला रहे हैं ना और यहां बैठ के आप लोग चिकन कड़ाइयां खा रहे हैं उनके डॉलर्स और पाउंड्स के ऊपर उनको सब कुछ भुगतना पड़ता है जो कुछ आप जज्बाती काम यहां पे कर रहे हो और अगर आप ये प्ली लें कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका उस मलून को सपोर्ट कर रहा है तो मेरे भाई ठीक है फिर आप अपने पाओं पर खड़े हो सुपर पावर बने देखें अमेरिका को अगर कोई बंदा मतलूब होता है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी हो वो उसे हासिल कर लेते हैं ना कई में हमारा काश आज हम भी इतने मजबूत होते हैं तो हम अमेरिका और यूरोप से डिमांड करते हैं कि इस खबीस को हमारे हवाले करें हम कोर्ट में केस चलाएंगे इसके खिलाफ देखें किसी भी मुल्क के अंदर अवाम को या पोलिटिकल जमातों को कभी भी इधारों के मुकाबले पर आकर खड़ा नहीं होना चाहिए और इसमें मुजरिम सिर्फ पोलिटिकल जमाते नहीं होती बल्कि बड़े मुजरिम वो रियासी इधारे होते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कि अवाम और पोलिटिकल लीडर्स उनके खिलाफ हो जाते हैं फिर जाहिर है जब वो खिलाफ होते हैं तो वो फिर बाजुकात रेड लाइन भी क्रॉस कर देते हैं तो ये दोनों तरफ से देखने की चीज मैं इस प्लेटफॉर्म से दो हज़ार से अपने बड़ों को ये बातें समझा रहा था जबकि उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर इनका एसेट थे। अभी की इन पे नहीं आई थी मेरी दो की वीडियोस उठा के देखें आठ से दस साल पुरानी कर रहा था कि तो पॉलिसी भी बन गई पाकिस्तान में किसी चैनल को बंद कर देना किसी की आवाज के ऊपर पाबंदी लगाना चलो मैं नाम भी ले देता हूँ खाब वो ए हो या जियो हो या कोई और चैनल हो ये बिल्कुल गलत है आप इलमी तरीके से मुकाबला करें अगर कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है आप अदलिया के थ्रू नोटिस भेजें साबित करें और जो कानूनन सजा बनती है ना वो आप दें ये नहीं है कि किसी एक सहाफी के एक जुमले से किसी इदारे की पॉलिसी पे इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि पता नहीं कोई आग ला हाँ, के हमें देखें हम अकेले हैं इस प्लेटफॉर्म के एतबार से वैसे तो लाखों लोग अलग वजह से अटैच वे सारे मौलवी मिल के कतल के फतवे जारी कर रहे होते हैं कोई फर्क पड़ा है कभी किसी से एक रती बराबर भी भीख मांगी है नहीं आगे ललकारते हैं आज अभी मैदान में ठीक है तो जो इतना बड़ा इदारा है

2022 को संडे के दिन बामुताबिक बामताबिकस मुहर्रमराम चौदाह सौ चवालीस हिजरी में इनशा हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 56 सिक्स मुनद होगा आपके सवाल ये पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले कुछ करंट इश्यूज चल रहे हैं इसी वीक के मैं उनको डिस्कस कर लूँ उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इशू जो है वो सलमान रुशदी का है वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान का पूरे का पूरा मीडिया जो है वो शहबाज गिल साहब को डिस्कस कर रहा है कि अभी उनको फला जगह ले गए अब उनको फला जगह लेके जा रहे हैं और क्या हुकूमत के लोग क्या अपोजिशन के लोग और पूरे का पूरा सोशल मीडिया इसी एक इशू के पीछे पड़ा हुआ है हालांकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि सिंध में और बलोचिस्तान के अंदर पिछले सालों की नस्बत बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग सलाब की नजर हो चुके हैं जो फौत हो गए अल्लाह ताला उनकी मफरत करे और लवाहिकीन को सबर दे सबर के ऊपर अजर अजीम अता फरमाए उनके लिए आसानियाँ फरमाए तो बजाय ये कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो उस तरफ तवज्जो देती उनका पूरे का पूरा मसला इस वक्त जो है वो शहबाज गिल का इशू बना हुआ है कभी उनको कोर्ट में पेश किया जाता है कभी जो है वो जेल में चले जाते हैं कभी कुछ और ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कल इमरान ख़ान साहब ने भी बायदा एक रैली की क्यादत की उसमें वो सबको बाई नेम मेंशन कर करके धमकियां लगा रहे थे जिस तरह 2014 में लगाया करते थे तो ये हमारे मुल्क के अब मसाइल रह गए जी हम ये समझते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि अगर वाकई वैसा हुआ है जो कि बयान किया जा रहा है एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी उनके साथ परफॉर्म की गई तो हम उसे कंडेम करते हैं मुबैना ज़ाहिर है हमारे पास तो अब कोई ऐसा फोरम नहीं कि उससे हम तस्दीक या तरदीद कर सकें ना हम हुकूमत के कहने के ऊपर तरदीद करते हैं ना अपोजिशन के कहने के ऊपर तस्दीक करते हैं हम ये कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो इस किस्म की मावरए अदालत एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है और अगर ये झूठी खबरें हैं तो जो लोग ये झूठ फैला रहे हैं सिर्फ पोलिटिकल गेंस की खातिर उन्हें भी शर्मो याद करनी चाहिए कि अल्लाह के, अल्ला के हजूर उन्होंने पेश होना है बहरल इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि इस वक्त काफ़ी परेशान है और उनके मुखालफी को एक बड़ा नादर मौका मिल गया है उनके एक बयान की वजह से जो कुछ दिन पहले ही गार्डियन अखबार के अंदर छपा और उसकी क्लैरिफिकेशन भी कल दे दी इमरान खान साहब ने कि मैंने कतन सलमान रुशदी को सपोर्ट नहीं किया था मैं तो एक पूरे मुकदमे को बयान कर रहा था और उसमें वो स्पेसिफिकली जो सियालकोट इंसिडेंट हुआ था पाकिस्तान में आपको पता है कि श्रीलंकन को कितने बुरे अंदाज से कत्ल किया गया उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की खसूस पाकिस्तान की तो बदनामी हुई उस वक्त चूंकि प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब वो कह रहे हैं मैं तो पूरी दुनिया से जो हुक्मरान हैं मुख्त मुल्कों के उनकी फोन कॉल रिसीव कर रहा था कि ये आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि इस्लाम में सजाएं एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से मावराय अदालत नहीं दी जा सकती केस बना के एक पूरा तरीका है जिसके तहत सजा दी जाए और ज़ाहिर है कि इसको वो इस एक्टिविटी के साथ भी जोड़ रहे थे जो कुछ 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क के अंदर सलमान रुशदी बलून जब एक स्टेज के ऊपर आया तो उसके ऊपर हमला किया गया तो वो इस हमले को भी कंडेम कर रहे थे और मेरा ख्याल है कोई इसको कंडेम करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है यह कंडेम करना यह कब से हो गया कि वो उसकी उस किताब को सपोर्ट कर रहे हैं इससे आप ये कैसे रिजल्ट निकाल लेंगे कि यह गुस्ताखों का सपोर्टर बना हुआ है सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेंस की खातिर अल्लाह को आपने जान नहीं देनी अल्लाह से डर जाए इस किस्म के झूठे जमात उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तक का नारा बुलंद किया उस शख्स के, के खिलाफ के इतनी उठाई, के कभी किसी ने नहीं उठाई और उसका रिजल्ट यह निकला पंद्रह मार्च हर साल जो है इस्लामो फोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया उस शख्स के ऊपर जिसने आठ से दस साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पर सलमान रुशदी आया हुआ है और वह गुस्ताखे रसूल है मैं ऐसे फॉरम से खिताब नहीं करूंगा अब उस शख्स को भी अपने इश्क रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा इन जाहिल उन पिठुओं से लेना पड़ेगा जो चंद इदारों के आलाकार बने हुए शर्म करें

ऐसे मुसलमान के ऊपर ऐसे मुसलमानों के लीडर के ऊपर आप इस तरीके से इल्जाम लगा के उनकी लाइफ को वनरेबल करना चाह रहे हैं ये ट्रेंड चला रहे हैं जी सलमान रशदी का यार बन गया ये तो जो लोग यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं उनसे पूछें कि ये आप लोगों के जो जज्बाती ना रहे हैं ये क्या गुल खिलाते हैं आप तो सिर्फ उनके रिमिटेंस के ऊपर मुल्क चला रहे हैं ना और यहां बैठ के आप लोग चिकन कड़ाइयां खा रहे हैं उनके डॉलर्स और पाउंड्स के ऊपर उनको सब कुछ भुगतना पड़ता है जो कुछ आप जज्बाती काम यहां पे कर रहे होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट पे इमरान खान साहब ने जो कुछ बात की वहां के रहने वाले हर पाकिस्तानी हर मुसलमान का यही नजरिया होगा कि यार इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्लाम में फसाद फिल अर्द की सजा कत्ल है सूरतुल मायदा के अंदर आयत नंबर थर्टी थ्री में लेकिन जुडिशरी के थ्रू होगा अगर हर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो फिर तो आपको पता है यहां तो मुसलमानों में एक फिर दूसरे फिर गुस्ताखे रसूल समझता है तो फिर क्या इसका रिजल्ट निकलेगा अगर हर कोई यह खुद डिसाइड करना शुरू कर देगा तो यह जुडिशरी का काम है और अगर आप यह प्ली लें कि इस वक्त यूरोप और अमेरिका उस बलून को सपोर्ट कर रहा है तो मेरे भाई ठीक है फिर आप अपने पाओ पर खड़े हो सुपर पावर बने देखें अमेरिका को अगर कोई बंदा मतलूब होता है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी हो वो उसे हासिल कर लेते हैं ना कि ये मुजरिमे हमारा काश आज हम भी इतने मजबूत होते है तो हम अमेरिका और यूरोप से डिमांड करते हैं कि इस खबीस को हमारे हवाले करें हम कोर्ट में केस चलाएंगे इसके खिलाफ जो इसने फसादर्ध मचाया हुआ है और अगर ऐसा नहीं है तो इस किस्म की एक्टिविटी से इस्लाम को या मुसलमानों को नुकसान जरूर होता है फायदा कोई नहीं होता एक मनफी प्रगेंडा शुरू कर देते हैं और उसके लिए ईंधन हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ने कोई गलत बात नहीं की आपको पता है कि मैं कितना सख्त क्रिटिक हूं उनका अच्छी बातों में सपोर्ट भी करता हूं लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये कोई बात नहीं थी कि आप उनके खिलाफ ट्रेंड चलाने शुरू कर दें अपने पोलिटिकल गेंस की खातिर सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त आपको कोई मजहबी कार्ड चाहिए कि आप एक पॉपुलर लीडर को इस तरीके से अवाम के हत्या चढ़ा दें कि वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दें तो इस हवाले से हमारा तो बिल्कुल क्लियर कट स्टांस है बाकी इमरान खान साहब ने जो बयानिया इस वक्त अपनाया है जिसमें अब वो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा बहुत बैक फुट पे गए हैं उन्होंने शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है उससे उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि एक रेड लाइन को क्रॉस किया गया और वो रेड लाइन कोई फौज के हवाले से नहीं है पाकिस्तान के आयन के हवाले से है इस तरह आप कभी भी किसी इदारे के सब ऑर्डिनेट को उभार नहीं सकते कि अपने सीनियर्स की आप जो है वो नाफ़रमानी करना शुरू कर दो आयन के खिलाफ हो तो उसके लिए फिर अदालतें मौजूद है या ज्यादा से ज्यादा अगर आप ये समझते हैं कि ये जुल्म पे मबनी कोई हुक्म मेरा बड़ा दे रहा है तो आप ठीक है अपनी जॉब छोड़ दें आपका राइट है हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि जी बाजुकात इस तरह की एक्टिविटी होती है हम कहते हैं ठीक है यार अगर आप समझते हैं तो हम तो अकाउंटेबल हैं अल्लाह को तो आप इस एक्टिविटी से अलग हो जाए दूसरा यह फिट इन द सिस्टम एंड देन चेंज द सिस्टम अंदर रहे और कोशिश करें कि इस एक्टिविटी के अंदर से आप इस लेवल तक ना जाने दें लोगों को कि किसी के साथ ज्यादती हो जाए अंदर रहने के भी बड़े फायदे होते हैं मेरे पास एक कर्नल साहब आए वो कहने लगे कि काफी मजबी थे वो कहते हैं हमारी बास गैदरिंग के अंदर मिक्स गैदरिंग हो जाती है तो मैं तो ये जॉब चलाना मेरे लिए मुश्किल मैंने कहा आप सिस्टम के अंदर रहें इन शाह एक मौका आएगा कि आपके हाथ में चीजें होंगी आप उसमें रिफॉर्म्स ले आना फिर उन्होंने मुझे खुद आगे बताया कि हां वाकई अब जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं औरतों और मर्दों का अलादा सेटअप करता हूं एक ही जगह पे बीच में पर्दा लगा के तो मैंने कहा देखें सिस्टम के अंदर रहने की कितनी बरकत होती है इसीलिए हम नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हैं इसलिए हम इमरान खान साहब को भी ये समझाते हैं कि आप अगर इस लेवल तक उतरेंगे ना इस बयानिए के अंदर तो फिर मैंने तो आपको बहुत पहले ये बात की हुई है देखें अभी तक मैंने जितनी बातें की हैं हैं एक एक करके ठीक हो रही है है कि जब वो किसी को निकालते ना तो फिर फौरन जो इलेक्शन उसमें उसको नहीं लेके आते अगली दफा बेशक ले आए क्योंकि जाहिर है कि दोनों तरफ लोहा गर्म होता है तो अगर ये आप तरीका अडॉप्ट करेंगे तो शायद अगली दफा भी आपका नंबर ना लगे इसलिए प्लीज रेड लाइन को क्रॉस ना करें हाँ इन प्रिंसिपल इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें, इंक्लूडिंग नून लीग जे यू आई एफ जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी और पी टी आई भी सबका यह बयानिया है कि फौज का कोई दखल नहीं होना चाहिए पोलिटिकल मैटर्स के अंदर अब तो खैर वो खुद भी चीख चीख के कह रहे हैं मैंने अक्सर कहा कि डीजीआईएसपीआर की आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर होती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो वो तो मैंने उन्हें कहा कि आप रोजाना सौ दफा भी खेचे ना सौ साल तक भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन कुछ अरसे बाद वजू टूट जाता है कोई एक ऐसा छोटा सा बयान आ जाता है किसी के जरिए फिर पूरे का पूरा मामला जो है वो शिफ्ट हो जाता है तो यह नहीं होना चाहिए देखें किसी भी मुल्क के अंदर वाम उन्नास को या पोलिटिकल जमातों को कभी भी इदारों के मुकाबले पर आकर खड़ा नहीं होना चाहिए और इसमें मुजरिम सिर्फ पोलिटिकल जमाते नहीं होती बल्कि बड़े मुजरिम वो रियाती इदारे होते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं कि अवाम और पोलिटिकल लीडर्स उनके खिलाफ हो जाते हैं फिर ज़ाहिर जब वह खिलाफ होते हैं तो वह फिर बाजूक रेड लाइन भी क्रॉस कर देते हैं तो ये दोनों तरफ से देखने की चीज है और हम अलहमदुल्ल मैं इस प्लेटफॉर्म से 2012-13 से अपने बड़ों को ये बातें समझा रहा था जबकि उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर इनका एसेट थे अभी एफ की तलवार इन पर नहीं आई थी मेरी 2012-13 की वीडियोस उठा के देखें आठ से दस साल पुरानी मैं उस वक्त भी ये बातें कर रहा था कि ये काम आप ना करें आपके ये घाटे फिट हो जाएगा डॉन लीग्स तो बहुत बाद में आई और फिर बाद में डॉन लीग्स ही हमारी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बन गई और फिर इमरान खान साहब ने तो आके आप देखें कि पाकिस्तान का पचहत्तर साल पुराना मसला ही हल कर दिया है मेरा ख्याल अब तो कोई नहीं बचा जिसे ये बात ना पता चल गई हो कि पाकिस्तान में किसका काम कौन सा है तो ये हम क्रेडिट देते हैं इमरान खान साहब को बाकी वो जो रेड लाइन क्रॉस करते हैं वो बिल्कुल गलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और मेरा ख्याल है उन्हें भी अब वक्त के साथ ये चीज़ें समझ आ रही हैं और यहाँ साथ ही साथ वो सहाफ़ी हजरात जो दोनों तरफ से आग भड़काने में मसरूफ हैं और वो मीडिया चैनल्स जो अपने पुराने बदले उतार रहे हैं आ, उस चैनल से जिस चैनल ने उस वक्त ज्यादती की थी और आ, मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा तो हालांकि उस चैनल से तो मेरी बहुत ज़्यादा रेजरवेशन बहुत पहले भी थी लेकिन पाकिस्तान में किसी चैनल को बंद कर देना किसी की आवाज़ के ऊपर पाबंदी लगाना चले मैं नाम भी ले देता हूँ खाब वो ए आर वाई हो या जियो हो या कोई और चैनल हो ये बिल्कुल गलत है आप इलमी तरीके से मुकाबला करें अगर कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है आप अदली के थ्रू नोटिस भेजें साबित करें और जो कानून सजा बनती है ना वो आप दें ये नहीं है कि किसी एक सहाफी के एक जुमले से किसी इदारे की पॉलिसी पे इतना बड़ा फर्क पड़ गया है कि पता नहीं कोई आग लग गई है इस तरह नहीं होना चाहिए आप देखें यार हमें देखें हम अकेले हैं इस प्लेटफॉर्म के अतबार से वैसे तो लाखों लोग अल्लाह के वजह से अटैच हैं सारे मौलवी मिलके कत्ल के, के फतवे जारी कर रहे होते हैं कोई फर्क पड़ा है कभी किसी से एक रत्ती बराबर भी भीख मांगी है नहीं आके ललकारते हैं आज अभी मैदान में ठीक है तो जो इतना बड़ा इदारा है वो क्यों परेशान हो जाता है किसी के एक बयान से उनको भी चाहिए ठीक है इल्मी तरीके से आके जवाब हाँ ये चीज हाँ, परेशानी उस वक्त होती है जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं जिसे आप डिफेंड नहीं कर सकते हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं कुरान सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल चौबीस कैरेट सोना है इसीलिए चाहे जिंदा बुजुर्ग चाहे मुर्दा बुजुर्ग सामने आ जाए हम कहते है, कोई नहीं है? के जैसा है ही कोई नहीं बाबे थे ठीक है ना तो इस तरह होना चाहिए आप सच्चाई के लिए खड़े हो सल्लु अला मुहम्मदि व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व असहाब मुहम्मद व अजवाज मुहम्मद अजमाईना इला यौमिद्दीन